के आसपास, तो जिंदल स्टील एंड पावर फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। लॉन्ग साइड में एफएमसीजी में हमें लगता है आईटीसी यहाँ से बाय किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और जिस तरीके से एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, पिछले 3-4 हफ्तों से देखें तो स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड दिखा रहा है, सीरीज ऑफ हायर हाई लो यहाँ पे बनते हुए दिखे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा और अपसाइड के टारगेट आईटीसी के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 485 के, स्टॉप लॉस होगा करीब 466 के आसपास। ठीक है, बढ़िया है। आईटीसी कंजम्पशन डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट है और 485 के टारगेट हैं आईटीसी के लिए। 475 रुपये का भाव हो गया। देखिए आप, ये 494, 499 रुपये 50 पैसे से ये शेयर गिरा था, 400 रुपये के आसपास आया, वहाँ से फिर ये स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया था। आईटीसी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी आ रहा है धीरे धीरे लौट के।